राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं लड्डू गोपाल के लिए सॉल बनाने वाली हूँ। तो आज मैं एक ऐसा सॉल बनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल के लिए, जिसे आप सॉल की तरह लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, या राधे कृष्ण जी हो उनको पहना सकते हैं, या फिर कोई कोई ऐसे भगवान हो जिनका कि स्वेटर नहीं बना सकते, उन्हें हम सॉल की तरह पहना सकते हैं। और इसे मैं इस सॉल को आप तो स्वेटर की तरह भी पहना सकते हैं। तो चलिए सॉल्व बनाते हैं। मैंने 45 चैन बनाया है। तो अब हमें क्या करना है, अभी तक जो भी ड्रेस बना रहे थे उसमें हम डबल क्रोशिया कर रहे थे, और स्टार्टिंग में दो चैन स्किप करके और तब डबल क्रोशिया कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डबल क्रोशिया में एक बार ऐसे ऊन को घुमाते थे, तो ट्रिपल क्रोशिया में दो बार घुमाएंगे, और फिर तीन चैन स्किप करके 1 2 3, तीन चैन स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से ये देखिए बनाएंगे, और फिर इस तरह से ऊन लेंगे और दो चैन को गिराएंगे। तो मेरे पास तीन बचा, फिर से इस तरह से ऊन को लेंगे, फिर दो चैन गिराएंगे, तो दो बचा, फिर से इस तरह से लेंगे ऊन को, फिर दोनों चैन को गिरा देंगे। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। फिर से दो बार इस तरह से ऊन को हमें लेना है और नेक्स्ट चेन में बनाना है। ये देखिए इस तरह से ऊन को लाए, तो मेरे पास टोटल चार है। तो फिर से इस तरह से ऊन को लिया और दो चेन को गिरा दिया, तो तीन बचा, फिर से इस तरह से लिया, फिर दो को गिराया, दो बचा, फिर से ऐसे किया और इस तरह से, तो ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बनते जाएगा। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो लड्डू गोपाल का जब जब भी मैं सॉल्व बनाती हूँ तो इस ट्रिपल क्रोशिया से ही मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से बनाना इजी होता है। तो ये देखिए इस तरह से बनते जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब इसे इस तरह से टर्न करेंगे और एक चेन बनाएंगे, और इस तरह से लेकर के ऊन को नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए डबल क्रोशिया में नहीं करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से ऊन को लाएंगे, 1 2 3, तीन चैन हुआ, और इस तरह से ऊन को लेंगे और तीनों चैन को इस तरह से नीचे गिरा देंगे। तो फिर से इस तरह से ऊन लेंगे नेक्स्ट चैन में, फिर इस तरह से ऊन को खींच के बाहर लाएंगे, तीन हो गया और तीन का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये तीन हुआ, 1 2 3, और तीन का एक कर देंगे। इस तरह से करके हमें पूरा लाइन कंप्लीट कर लेना है। से ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे इस तरह से टर्न कर देंगे, तो ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। और फिर से हमें तीन चैन लेना है, इस तरह से ऊन लेके नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। दो बार हमें ऊन को लेना है, एक बार दो बार, और इसमें तीन बार, इसमें एक बार लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन गिराया, फिर से दो चेन, फिर से दो चेन, फिर से दो बार इससे से लिया और नेक्स्ट चेन में ये देखिए दो चेन को गिराया, फिर से दो चेन गिराया, फिर से दो चेन। तो फिर से ये डिज़ाइन यहाँ बनेगा। तो इसी तरह से हमें सॉल में डिज़ाइन देना है। तो जितनी चौड़ाई आपको रखनी है, जितना चौड़ा बनाना है, इसके अकॉर्डिंग इसे बना लेंगे, दो या तीन जितना भी हो। तो इसी तरह से लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और अब साइड में दूसरा डिज़ाइन देंगे। तो उसके लिए ये जो फर वाला ऊन है जो हल्का साइन करता है उसे लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बना लेंगे। तो इसी से दोनों साइड डिज़ाइन देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको खींच के इधर लाएंगे, तो ये एक चेन बन गया, और ये पीछे साइड यहाँ गांठ लगा देंगे। अब हमें दो चेन बनाना है इससे। ये देखिए 1 2, ये दो चेन बन गया। इसे हमें ढीला बनाना है। ये थोड़ा सा ये इसमें फर जैसा निकला हुआ है ना, तो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होता है। तो इसलिए अगर इसे ढीला रखेंगे ना आसानी से बन जाएगा। फिर दो चेन स्किप करके तीसरे में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक बार हुआ, एक बार और करेंगे।
दो बार, दो डबल क्रोशिया, उसके बाद तीन सिंपल चैन लेंगे, और जहाँ से ये तीसरा लास्ट वाला चैन है वहाँ पे इस तरह से स्लिप चैन स्टिच कर लेंगे। फिर से दो बार डबल क्रोशिया हमें करना है, 1 2 उसी चैन में करना है, और दो चैन स्किप करके तीसरे में इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। फिर से दो चैन स्किप करके तीसरे में हमें डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे और तीन सिंपल चैन अब लेंगे, 1 2 3। तो जहाँ से ये चैन बनाना स्टार्ट किए वहीं पे इस तरह से जाके इस तरह से उनको खींच के लाकर इस तरह से निकाल देंगे, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। और फिर से दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, और फिर से दो चैन स्किप करके तीसरे में, दो चैन स्किप करके तीसरे में से इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए दो पेटल्स बन गया है। आगे हमें इसी तरह से पेटल्स बनाना है और फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। और अब साइड में इस तरह से झालर की तरह बना के लगाएंगे, तो उसके लिए हमें छोटे पीसेस में उनको कट कर लेना। ये देखिए मैंने इस साइज़ में कट किया है, और वो जो ऑरेंज वाला था इसे भी मैंने कट किया है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें दो लेयर होता है उनका, तो इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए ये खुल जाएगा आसानी से, इस तरह से इसे खोल के तब लगाएंगे। तो तीन इसमें का ग्रीन का तीन लेंगे और तीन ये ऑरेंज लेंगे। आप इसे चार भी कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, जितना घना रखना हो। तो मैंने तीन तीन लिया है, इस तरह से देखिए ये हो जाएगा। और अब हमें इसे क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो है इसे इस तरह से टर्न करेंगे उल्टे साइड में, और यहाँ से इसको हमें सीधे साइड रखना है। ये देखिए ये सीधा है, इस साइड हमें रखना है, और क्रोशिया को उल्टे साइड से अंदर की ओर ले जाना है, और इसे फंसा के इसे बाहर लाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा बाहर नहीं लाना, ये इस तरह से बन होगा, ये देखिए। और इसके अंदर फिर ये सारे ऊन को इस तरह से करके कर देंगे, तो ये गांठ की तरह बन जाएगा, ये खुलेगा नहीं, और इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए तो तीन लगाएंगे, एक दोनों साइड पे और एक बीच में। तो ये और बाकी सबको भी हमें इसी तरह से करके लगा लेना है। मैंने दोनों साइड में लगा लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ कॉर्नर पे मैंने एक बटन दिया है, जो टिप बटन नहीं होता है उसे मैंने लगाया है, और दूसरा मैंने उल्टे साइड में दिया है। ये देखिए एक मैंने ऊपर के साइड में लगाया है, दूसरा यहाँ लगाया है। तो इस तरह से हमें बटन लगा लेना है, और ये शॉल रेडी हो गया है। तो इसे में इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक आप सिंपल तरीके से भगवान जी को इस तरह से उड़ा सकते हैं, दूसरा इस तरह से बटन इस तरह से पहना करके भगवान जी को, या लड्डू गोपाल जो भी भगवान हो उन्हें इस तरह से पहना के इस तरह से बटन लगा देंगे। तो ये देखिए ये स्वेटर की तरह बन जाएगा। तो इससे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉल रेडी हो गया है। अगर आपको ये शॉल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।